नमस्कार गाइस, मैं अमित, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब्स अपडेट लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, मैं आपको यहाँ बता दूँ गाइस, जो वैकेंसी सामने निकल के आई है, तो गाइस वो सुरक्षा जवान की वैकेंसी लेके मैं आ चुका हूँ। सो गाइस, जिसका मकसद या जिसका उद्देश्य रहता है, जिसका एम रहता है कि हमें सुरक्षा जवान की जॉब करना है, तो गाइस उनके लिए मैं एक सुरक्षा जवान की वैकेंसी लेके आ चुका हूँ। गाइस, इसमें बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं गाइस, उसमें इसको भी देखना। और गाइस, यहाँ पे आप मैं बता दूँ कहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो गाइस कानपुर NCR में वैकेंसी है गाइस, रोजगार मेले के जरिए गाइस बिल्कुल रियल ऑथेंटिकेशन की, बिल्कुल रियल ऑथेंटिकेशन मतलब रियल जानकारी है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। रोजगार मेले के जरिए आपका यहाँ पे चयन होने वाला है गाइस। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ना ही इसमें आपको कोई परीक्षा देनी है, ना ही कोई आपको कुछ वो करना है, ठीक है। आपको सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपको जॉब अप्रूवल मिलने वाला है। सो गाइस, मैं इसमें सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। गाइस, इसमें सैलरी भी काफी अच्छी रखी है, 15,000 प्लस के लगभग इसमें सैलरी रखी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कहाँ मतलब ये रोजगार मेला लगेगा, सो वहाँ पे आवेदन कर सकते। तो गाइस, में इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें आवेदन करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है तुम्हें आपको रोजगार मेले में। सो गाइस, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। यदि गाइस हमारे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छा लगे, तो गाइस इस वीडियो पे एक लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं हर रोज नई नई जॉब्स अपडेट यहाँ पे अपडेट करता हूँ। गाइस, मैं आपका कोई फालतू टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। गाइस, मैं भी समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ होती है। सो गाइस, मैं इसमें सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। फाइनली गाइस, यदि आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते, तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना गाइस, अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर गाइस आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आ जाना गाइस। यहाँ पे सबसे पहले आपको रोजगार मेला दिख रहा है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा रोजगार मेले का। यहाँ पे पहले रोजगार मेले पे क्लिक करेंगे गाइस, तो और फिर सबसे पहले इसमें एक शैक्षिक योग्यता भी चुन लेंगे, तो वो चुन लेंगे, सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो गाइस यहाँ वो वैकेंसी निकल के सामने आ जाएंगी। तो पहले इसको मैं करके बता देता हूँ गाइस, रोजगार मेले पे मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे शैक्षिक योग्यता मैं चुन रहा हूँ गाइस, आप भी इसी प्रकार चुन लेना। मैं HSC इंटरमीडिएट चुन लेता हूँ गाइस, यहाँ पे खोजे वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही गाइस मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि गाइस नेट स्लो होने के कारण कभी टाइम भी लेता है गाइस। थोड़ा इस नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, और गाइस जो मैंने आपको वैकेंसी अभी वीडियो में बताई है गाइस, सबसे पहले आपको मैंने बताया है, तो इसको आप देख सकते हैं। वैकेंसी ये रही गाइस, 7वें नंबर पर वैकेंसी अभी शो हो रही है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसमें क्या कैसा इसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको खैर वीडियो में बताने ही वाला हूँ, तो गाइस आप वीडियो तो लास्ट तक देखिए, इसको पूरा देख लीजिएगा। ये आपको मैं सुरक्षा जवान की वैकेंसी बता रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पर उसकी वितरण देखने के लिए और इसमें आवेदन करने के लिए कुछ नहीं करना गाइस, आपको यहाँ पर रिक्ति का वितरण यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस, रिक्ति का वितरण वाले पे इस पर क्लिक करेंगे, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको रिक्ति का पूरा वितरण बता दूँगा, मैं डायरेक्ट वहीं से आवेदन करके आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस पहले इस पर क्लिक करता हूँ, तो पहले इसको रिक्ति के वितरण के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ कि क्या इसमें बताया गया। तो गाइस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा गाइस, आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत आएगी कि सर वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो इसको आप पहले समझ लीजिएगा, फिर अपने अनुसार इसको कर लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट भी स्लो है काफ़ी आज, और गाइस इस वेबसाइट पे थोड़ा लोड होने के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइस देखिए आप, ये वैकेंसी जो हमने रोजगार मेले के जरिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि रोजगार मेले के जरिए वैकेंसी होने वाली है, तो गाइस इसको भी आप पूरा पढ़ लीजिए। रोजगार मेले के अंतर्गत आने वाली रिक्ति का वितरण, इसको देख लिया। यहाँ पे पद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पद भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, अभी बता देता हूँ, सुरक्षा जवान का पद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और संस्था भी देख सकते हैं, जो संस्था के जरिए इसको वैकेंसी पूरा करेगी तो वो भी आप देख सकते हैं, सॉरी क्या हो गया, वैकेंसी भी पूरा करेगी तो इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आसानी से दिख रहा है। G4S सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये संस्था या कंपनी है जो इस वैकेंसी को पूरा करने वाली है गाइस। रिक्ति की तारीख भी देख सकते, कब पोस्ट की गई थी, तो 4 मार्च 2023 को की। आवेदन कब तक कर सकते, तो 16/3/2 यानी 16 मार्च तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियाँ भी बता दूं, तो गाइस काफ़ी अच्छी रिक्तियाँ हैं गाइस, 300 प्लस रिक्तियाँ इन्होंने यहाँ पे देखने को मिलती हैं गाइस। और योग्यता तो बताऊं, योग्यता इन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल ही रखा है, ज़्यादा नहीं मांगा गाइस, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ही आपसे यहाँ पे इन्होंने मांगा है। और गाइस सुरक्षा जवान का काम रहने वाला है, उसको भी आप देख लीजिए, सुरक्षा जवान का पूरा काम रहने वाला,
और वो आपका शिक्षा का माध्यम भी बता दें तो गाइस आपको यहाँ इन्होंने केवल हिंदी मांगा है। और आवेदन कौन कौन कर सकता है तो गाइस के यहाँ पे केवल पुरुषों के लिए ही है ऑप्शन, महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें आप समझने के बाद मैं आपको सैलरी की बात बताऊँ तो सैलरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 20 हज़ार प्रतिमा इन्होंने सैलरी रखी है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर 15 हज़ार से स्टार्टिंग यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, आयु और आयु की बात बता दूं कितना आयु उन्होंने मांगा है तो गाइस 18 वर्ष न्यूनतम रखा है, 35 वर्ष इन्होंने अधिकतम रखा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षा का माध्यम तो हिंदी माध्यम इन्होंने रखा है गाइस। आवेदन बिना बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल नहीं मांगा, सॉरी इसका अनुभव बिल्कुल नहीं मांगा इन्होंने, कोई लिमिट नहीं कही ना कोई बात बताई ना यहाँ पे कि इतने वर्ष का चाहिए इतने मांगा। ठीक है, आपको काम कहाँ पे करना पड़ेगा तो वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्यस्थल सीधा दिख रहा है, कार्यस्थल तो कानपुर NCR में आपको काम करना पड़ेगा। हिंदी का अनुभव आपके लिए होना चाहिए, वांछनीय भाषा है, मुख्य आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना उसकी अनुभव को भी समझना आना चाहिए। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो गाइस और मैं आगे बता दूं अनिवार्य प्रमाण पत्र आपको क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको हाई स्कूल जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। साक्षात्कार आपका मतलब इंटरव्यू के जरिए जॉब अप्रूवल मिलेगा, तो अब देखिए जॉब अप्रूवल लिखा है परीक्षा का प्रकार, ना ही आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई, सीधा आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पर ही आपको इंटरव्यू के बेस पर ही आपको यहाँ पे जॉब दे दी जाएगी। तो आप यहाँ पे आवेदन कब तक, तो लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 तारीख यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो इसको भी देख लीजिए। समय 10 बजे का बता रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा 10 बजे का समय यहाँ पे बता रहे हैं। स्थान देख लीजिए कि स्थान मतलब यहाँ पे एक कहाँ पे मतलब लगने वाला है मेला, तो एक दिवसीय वृहद रोजगार मेला, मेला स्थान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ललितपुर। तो गाइस आप जो ललितपुर के आसपास है ललितपुर में ये मेला लगने वाला है, तो देख लीजिएगा इसको, मैंने यहाँ पे बॉक्स में भी बता दिया है। अन्य विवरण मैं बता दूँ कि क्या क्या आपको ले जाना है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ मूल अंक प्रमाण पत्र सहित। ठीक है, मूल अंक प्रमाण पत्र सहित लेके जाना है वहाँ पे। ठीक है, और भाई सेम है और उसमें कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे देख सकते जो जहाँ पे लिखा है इसको कि इसमें बताया गया है कि उसके मेले की आईडी बताइए वो कहाँ पे लगने वाला, तो रोजगार आईडी देखिए 73 98 प्रारंभ दिनांक 16/3/2023 और वो अंतिम दिनांक भी वही रहेगी। जिला स्तरीय मेला है ललितपुर, मेले में एक दिवसीय स्थान जिला रोजगार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, और यहाँ पे वो भी देख सकते हैं कि गाइस यहाँ पे कहाँ मतलब ये लगेगा, तो इसमें इन्होंने बॉक्स में बता दिया, तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद में ये मेला लगने वाला है। यदि गाइस इसमें अपन आवेदन करना चाहते हैं कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा है आवेदन करें, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हो अपना आवेदन हो जाता है, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया गाइस, फिर से वेबसाइट थोड़ा लोड लेगी, वो डायरेक्ट यहाँ से आवेदन कर देंगे गाइस, वहाँ पे जाके हम अपना इंटरव्यू देके इंटरव्यू पास करके हम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले रही है गाइस ये वेबसाइट हमें, फिर यहाँ पे मैसेज एक पॉपअप खुल जाता है, तो गाइस उसमें हमें पूरा पता चल जाता है कि हमारा जॉब में मतलब आवेदन हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा टाइम लेगी गाइस, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, आप देख लीजिएगा। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा आ रहा है आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया, यानी हमारा आवेदन यहाँ से हो चुका है। तो गाइस यदि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो गाइस इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस हमारा काम है आपको सूचना प्रदान करना, गाइस मैं हर रोज़ आपको लिए नई नई जॉब से अपडेट यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। गाइस ये जॉब्स आप देख सकते हैं, जॉब्स में मतलब बेरोजगारी बहुत है, तो गाइस इन जॉब्स का सबको पता नहीं रहता गाइस, तो मैं आपको ऐसी जॉब्स लाता हूँ गाइस जो आपको आसानी से मिल जाए गाइस, और कंपटीशन से आप बच के आसानी से जॉब भी पा सकें। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।